नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले दिन सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज और कल नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में भी मौजूद थे। मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा।